क्या आप जानते हैं कि दशानंद रावण का जो रथ था वो बहुत ही शक्तिशाली और मायावी था, जिसमें बैठकर उसने प्रभु श्री राम से युद्ध लड़ा था। ऐसे ही रावण जब एक बार युद्ध करते करते प्रभु श्री राम से हारने लगा, तो फिर दशानंद रावण ने छल से युद्ध करना शुरू किया, जिसमें वो अपनी माया का इस्तेमाल करके प्रभु श्री राम को अपने तीरों से घायल करने लगा। ये सब देख कर देवों के राजा इंद्रदेव ने प्रभु श्री राम की सहायता के लिए प्रभु श्री राम के पास गए और उनको अपने देवीय रथ से रावण से युद्ध करने का आग्रह किया, ताकि वो रावण को उसके छल का जवाब धर्म युद्ध से दे सके। जिसके बाद प्रभु श्री राम ने भी देवराज इंद्र के रथ से आकाश की गंगाओं में रावण से युद्ध किया। घोर भयंकर युद्ध हुआ और प्रभु श्री राम ने रावण के 10 सुरों को एक एक करके अलग कर दिया, परंतु दशानंद रावण का अंत नहीं हुआ और न ही उसे मृत्यु आई। तो फिर रावण ने प्रभु श्री राम से कहा कि हे राम, मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। तब रावण के भाई विभीषण की सलाह पर प्रभु श्री राम ने रावण की नाभि में छुपे अमृत पर तीर चलाया, जिसके बाद दशानंद रावण का अंत हुआ। परंतु मरने से पहले रावण ने भी प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण किया, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई।